हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप छोटे क्रिएटर्स हो तो आपके चैनल को मोनेटाइज होने में आ सकती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो वो दिक्कत क्या है गाइस? अगर आप भी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो ना, तो अभी समझ जाइए, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू अगर गलतियां करते रहे तो ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला है अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के समय। और वो गलतियाँ क्या हैं और आप किस कैसे कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो, आप जानबूझ के कर रहे हो या बिना जान के कर रहे हो, तो गाइस आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आप अगर छोटी छोटी गलतियां अपने यूट्यूब चैनल में कर रहे हो, कुछ भी गलती अगर छोटी छोटी कर रहे हो, तो वो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसलिए कि आपका चैनल पहली बात तो मोनेटाइज होगा नहीं। अगर बाई चांस अगर रिक्वेस्ट करके मेल वेल करके अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया तो वो आगे ग्रोथ नहीं करेगा, आपकी अर्निंग नहीं आएगी। और YouTube चैनल तो आपने इसीलिए खोला होगा मनी के लिए, क्योंकि अगर पैसे अगर आपको अच्छे से कमाने हैं कि हाँ, कोई भी गलत रास्ता तो बिल्कुल भी मत चुनिएगा कि हाँ आपका चैनल, जैसे कि लोग नहीं व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए पागल हैं कि कैसे भी करके कुछ भी करके कैसा भी वीडियो डाल के बस सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ आ जाएँ, बस मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, तो क्या फ़ायदा है? अगर आज हो भी जाएगा आपका चैनल मोनेटाइज तो आगे आप बहुत ज़्यादा इशू आएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि अगर जिसके लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो कि हाँ मेरा मोनेटाइज हो जाए या मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं, 4000 घंटे हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, बस जैसे तैसे मोनेटाइज करवाना है आपको, लेकिन ये आप गलती कर रहे हो। अगर आप गलत रास्ता चुन रहे हो अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए, ये आपको बहुत आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी जब आपकी अर्निंग आना बंद हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी फर्स्ट पेमेंट ही रुक जाए। और किसी भी हालत में अगर YouTube में अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो किसी भी हालत में आपकी अर्निंग तो आनी नहीं है और पेमेंट तो वहीं ठप हो जानी है, रुक जानी है, तो फिर आप इतना उल्टा सीधा रास्ता क्यों चुन रहे हो? अगर आपको एक ले के चलो आप, हाँ कि मुझे अच्छा काम करना है, मतलब कंटेंट अच्छा बनाना है, सब कुछ परफेक्ट करना है कि कभी भी आपकी वीडियो में स्ट्राइक ना आए, ना कॉपी क्लेम आए। और वो रीजन क्या है कि स्ट्राइक क्यों आती है, कॉपी क्लेम क्यों आता है? तो गाइस अच्छा आप ये बताइए, हाँ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ तो मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी कि आप छोटे क्रिएटर्स हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं। पहली गलती इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते होगे ऑब्वियसली, हर फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब में तो आप वीडियो बनाते ही होगे। लेकिन क्या है कि अगर आप इंस्टाग्राम में जैसे कि फिल्टर की वजह से, जैसे कि हाँ अगर आपने इंस्टाग्राम में वीडियो बनाया तो बड़ी क्लियरिटी बड़ी अच्छी आती है उसमें, बड़ी अच्छा, मतलब फेस अगर काला भी है तो गोरा दिखा देगा फिल्टर। बट क्या होता है कि अगर आप इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते हो और वही वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हो तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे चल के। और वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने इंस्टाग्राम वीडियो बनाया, उसमें आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने इंस्टाग्राम वीडियो डाला, उसके लास्ट में आपने देखा होगा एक सिंबल की तरह वाटर मार्क आता है, जो इंस्टाग्राम आईडी लिखा होगा और इंस्टाग्राम का सिंबल बना होगा। तो क्या है, यूट्यूब ये नहीं चाहता है वीडियो जैसे इंस्टाग्राम का हुआ या फेसबुक का हुआ या किसी अदर ऐप का हुआ, तो आप जैसे अगर उस चीज़ को डाउनलोड करके आप अपने वीडियो में डालते हो, बाद में वाटर मार्क आता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। आप वीडियो डालते हो ओके, तो क्या करते हो कि मतलब वीडियो डाल दिया आपने, उसमें बहुत सारे अच्छे व्यूज़ भी आ गए और प्लस सब्सक्राइबर भी गेन हो गए और आपका जैसे मोनेटाइज के कगार पे आ गया वीडियो, हाँ कि अब आपका मोनेटाइज होता है। तो सबसे पहले जब मोनेटाइज होता है तो यूट्यूब क्या देखता है, सबसे जो सबसे हाई रैंक कर रहा है, आपका वीडियो सबसे ऊपर है, उसको चेक करना चालू करता है। चेक करने के बाद अगर जब वो उस चीज़ को चेक कर रहा है तो अगर वीडियो को आप वो वॉच कर रहे हैं तो उसके बाद में वाटर मार्क आ रहा है, वाटर मार्क क्या, इंस्टाग्राम फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म का वाटर मार्क आ रहा है, तो क्या करेंगे उस टाइम आपके वीडियो को वहीं स्टॉप कर देंगे और प्लस मेल भेज देंगे कि ये कॉपी क्लेम है, मैं आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करूँगा, यूट्यूब की तरफ से आपके पास मेल आ जाएगी। तो गाइस अगर आप ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ इसी जगह आप रुक जाओ, ये गलतियाँ मत करो, क्योंकि ये गलतियाँ आगे बहुत क्रिएटर्स में ने करी हैं और शायद मैंने भी की हुई हैं कभी आप नोटिस करोगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए ये गलतियां ना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि ये आप गलतियां मत करिए, यहीं बन गए। कोई भी अपना एक्सपीरियंस सही आपको यूट्यूब में नहीं बताएगा, कोई भी ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, या कोई आप ये नहीं चाहेगा कि हाँ, तो मतलब कोई भी ऐसा है कि हाँ ये आगे क्यों बढ़े, ये क्या, कोई भी मेन पॉइंट नहीं बताएगा। सीरियसली मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ कि हाँ ये रियलिटी है कि बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप इंस्टाग्राम या अदर, आपको पता तो चल गया होगा कि पहली गलती क्या नहीं करनी है आपको। तो इसलिए अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो ये आगे आप मत कंटिन्यू मत करिए गलतियाँ, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस अब दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती ये है, जैसे कि आपने एक वीडियो बनाया, वीडियो आप अच्छा है, आपका फेस है, आपकी वॉइस है, सब कुछ आपका ही है, बट क्या है, आपके पीछे सॉन्ग बज रहा है, जैसे सॉन्ग बज रहा है या कहीं अगल बगल बज रहा है, जो भी है आप वीडियो बना रहे हो, तो वो जो सॉन्ग है वो आपके वीडियो में आ गया। जब आपने कट कॉपी किया, जो एडिट किया आपने वीडियो को, तो उस सॉन्ग बड़ा अच्छा लग रहा है, जो भी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आप वो चीज़ नहीं काटना चाहते हो। तो क्या होता है कि जैसे आपने वही चीज़ 10 सेकंड का भी अगर आपने किसी अदर गाने की रिकॉर्डिंग अपने लॉन्ग वीडियो में डाली है, तो आपने उस चीज़ को अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद मेन क्या हुआ, आपने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया, ठीक है, बड़ा अच्छा वीडियो है, व्यूज़ भी बड़े आ गए, बट क्या हुआ, जो सॉन्ग था अदर पर्सन ने आपके ऊपर क्लेम कर दिया, क्या, कॉपी क्लेम अगर आपके ऊपर हो गया है उस वीडियो में, जो चैनल जो चल गया था, काफ़ी व्यूज आ गए थे, सब कुछ आ गया था, और उसमें कॉपी क्लेम भी हो गया, बट क्या हुआ, अदर पर्सन ने मेल कर दिया, ठीक है। तो अगर वो कॉपी क्लेम हटा नहीं, हटेगा तो वैसे भी नहीं कॉपी क्लेम, क्योंकि वो गाना, उस गाने के ऊपर कॉपी क्लेम आ गया, तो अच्छा खासा चैनल आपका खराब हो गया, व्यूज खराब हो गए, सब्सक्राइबर खराब हो गए, क्योंकि वो चैनल, वो जो वीडियो है आपको डिलीट करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला था, लेकिन क्या हुआ, आपकी छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती ने क्या किया, पूरे चैनल को बर्बाद कर दिया। जितनी मेहनत आपने की थी अभी तक, जो भी की हो, 1 महीने 2 महीने या साल भर जो भी की हो, पूरी मेहनत आपकी खराब हो गई, फिर क्या, पछताना। तो इसलिए बिल्कुल आप सीधे रास्ते चलो, जो गाइडलाइंस हैं यूट्यूब की, उसके अकॉर्डिंग आप अपने वीडियो को अपलोड करिए, अपने वीडियो को डालिए, प्लस कोई भी कॉपी क्लेम मत आने दीजिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे आपका। तो गाइस ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो उसको ऐसे बनाइए जो उसमें बिल्कुल भी कॉपी क्लेम ना आए, शायद उसी के थ्रू, उसी वीडियो के थ्रू जो आपने बनाया है, बेस्ट बनाया है, उसके थ्रू आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है, बट नहीं होगा क्योंकि उसमें कॉपी क्लेम आया है। अब तीसरा टॉपिक ये है कि जैसे आपने एक वीडियो डाला, वीडियो क्या किया, तभी होता है ना कि किसी भी प्लेटफॉर्म से उठा के किसी का भी वीडियो डाउनलोड कर लिया, बस आपने क्या किया, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, अभी तो YouTube ने ध्यान दिया नहीं, कोई कॉपी क्लेम नहीं आया, कुछ नहीं आया, सब परफेक्ट चल रहा था, वीडियो भी बढ़िया चल रहा था और व्यूज़ भी उसमें बहुत अच्छे आ रहे थे और आगे भी बढ़ रहा था और आपको सब्सक्राइबर भी बहुत सारे गेन कर रहा था, जैसे कि आपके 4000 घंटे हो गए और एंड आपके 1000 सब्सक्राइबर भी डन, पूरा कंप्लीट हो गया आपका, बट हुआ क्या, जो आपने दूसरे प्लेटफॉर्म से वीडियो उठा के किसी और क्रिएटर्स का डाला था, आप फॉर एग्जांपल आपसे पूछती हूँ मैं कि अगर आपका कोई चैनल डाउनलोड कर ले, जो वीडियो है डाउनलोड कर ले, अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दे, उससे उसका चैनल मोनेटाइज भी हो जाए, प्लस वो पैसे भी गेन करने लगे, काफ़ी उसकी अर्निंग भी आने लगे, सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, और आप जब देखो कि यार मैं तो अपनी मतलब अपने वीडियो में कुछ नहीं कर पाया, इस बंदे ने मेरा वीडियो डाला और देखो ये तो मोनेटाइज भी हो गया, पैसे भी कमाने लगा, सब कुछ इसका परफेक्ट चलने लगा, तो वो क्या करेगा, वो क्लेम कर देगा आपके ऊपर, उसने क्लेम कर दिया, तो क्लेम करने के बाद जो अगर उसने मेल कर दी सीधे यूट्यूब को, तो आपका जो चैनल है वो नोटिस में आ गया, ठीक है, तो आपका चैनल है वो यूट्यूब के नोटिस में आ गया, और आपने किया क्या, आपने किया हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेके अलग अलग बंदे का वीडियो आपने अपलोड कर दिया, क्या किया, सबने कॉपी क्लेम कर दिया, कॉपी क्लेम करने के बाद आपके वीडियो में क्या हुआ, अचानक स्ट्राइक की भरमार हो गई, ठीक है, भरमार ऐसे हो गई, अगर आपके 3 भी स्ट्राइक आते हैं आपके चैनल में,
तो आपका चैनल तुरंत डिलीट कर देता है यूट्यूब। एक स्ट्राइक में संभल जाइए, दूसरे स्ट्राइक में संभल जाइए, तीसरे स्ट्राइक में संभलने का मौका नहीं देता है यूट्यूब। तो गाइज अगर आपने 3 वीडियो अपलोड 4 वीडियो या 10 वीडियो अपलोड कर दिया तो आपके 10 स्ट्राइक आ जाएंगी, तो आपका चैनल ही नहीं दिखाई देगा। तो गाइज इसलिए किसी भी क्रिएटर का आप अपने यूट्यूब में चाहे वीडियो मत डालिए प्लीज। अगर आपको कुछ आगे अर्निंग करनी है या कुछ इससे कमाई करनी है यूट्यूब से, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे कितना भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो पैसे की खान है ये, जितना अंदर घुसते जाओगे उतना पैसे कमाते जाओगे। तो इसलिए है ये जो छोटी छोटी न्यू क्रिएटर्स गलतियां कर रहे हैं ना, तो इसलिए वहीं रुक जाइए, जो आगे चल के आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो गाइस अगर वही है कि अगर आपको ये चीजें बहुत समझ में आ गई हो, हाँ समझ में थोड़ी बहुत भी आई हो, तो भी ये गलतियां मत करिएगा प्लीज। क्योंकि अगर आप अपने चैनल को आगे ग्रोथ करना चाहते हो या आगे बढ़ाना चाहते हो और ग्रो करना चाहते हो अपने चैनल को और आगे चल के अर्निंग करना चाहते हो, तो इसलिए आप यहीं रुक जाइए कि ये गलतियां बिल्कुल मत करिए। ये 3 गलतियां आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। और गाइस मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए कुछ तो कर सकते हो। ओके बाय बाय।